वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज एक नए सफ़र पे, आज है 23 जून और सुबह का टाइम है, करीब 5:30 पर मैं अपना यात्रा चालू कर दिया। तो सुबह का टाइम मैं यात्रा कर रहा हूं अभी, और आज कितना दूर जाना है ये आप लोग को वीडियो में जरूर बता दूँगा। और ये हमारा सफ़र है सुबह का टाइम में, क्योंकि अभी मैं गाँव का रास्ते से निकलना हूँ। रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन बगल में इधर चारों तरफ बगीचा है। सड़क के किनारे सबसे अधिक बागीचे मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए। तो हमारे इस सफ़र में बने रहिए और आगे चलिए चलते हैं। यहाँ से अभी सुबह सुबह का टाइम में कोई आदमी अभी एक दो दिख रहा है, और सुबह का टाइम में सफ़र साइकिल से हमारा सफ़र है। उसके बाद से मैं आगे जाऊँगा और आगे क्या क्या मिलता है सब भी दिखलाऊँगा। यहाँ से आगे एक चौराहा है, चौराहे के पास एक नहर है, पुल दिख रहा होगा, और यहाँ पर सवारी के लिए टेम्पू लगाया गया है। अभी जो मैं चौराहा आप लोग को दिखलाया हूँ, उस चौराहे के पास से एक नहर है, तो इस नहर के साथ मैं निकल रहा हूँ। बगल में नहर है, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कितना दूर तक ये नहर है। और यहाँ पर एक पुल है, एक छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ पे दुकान है, और उधर पुल है नहर के पास। नहर के पास एक पुल है, और उस पुल में फाटक लगा है, क्योंकि वहाँ पर दो नहर जुड़ती हैं। और नहर के किनारे यहाँ पर गन्ने की सूखी पत्ती लोग रखते हैं, और इस तरफ आम का और बरगद का वृक्ष लगाया गया है, क्योंकि बगल में गांव है। और सुबह सुबह के टाइम में बच्चे लोग इधर नहाने आते हैं। यहां से आप लोग देखेंगे कि ये पूरा सागवान का पेड़ है इधर, और कुछ आम के इधर, कुछ खेत खाली है, और आगे देख सकते हैं सड़क के किनारे कुछ बच्चे नहा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कुछ लड़के अभी इस नहर में नहा रहे हैं, और मैं बागीचे के साथ साथ आगे निकल रहा हूँ। और बागीचा भी इधर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल मैं जब सफ़र पे निकला था तो दूसरी रास्ते से गया था, ये दूसरा रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते पर मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे ज़्यादा रास्ते मिलते हैं जो नहर के पास से रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नहर में पानी इधर दिख रहा होगा यहाँ से भी, और इसमें सिंचाई के लिए रोड के नीचे होल करके लोग अपने गन्ने में पानी चला रहे हैं। और इधर दोनों तरफ पेड़ पौधे देख सकते हैं, और ये रास्ता नहर का मैसेज है। आगे देखता हूँ किस रास्ते से जाना है, और यहीं पे निकलूँगा आगे, और इसके बाद से दूसरी तरफ निकल जाऊँगा। यहाँ पर एक पुल है, पुल को मैं अभी आप लोग को दिखलाता हूँ। गाँव से निकलते वक्त यहाँ पर जो ये गाँव है, आगे सामने आप लोग देख सकते हैं, तो गाँव में निकलते वक्त मेन रोड पे आ गया हूँ। ये गांव वाली सड़क है, देख सकते हैं कितना साफ सड़क है, और काफ़ी अच्छा भी है। और बादल छाए हुए हैं इधर खेतों की तरफ देख सकते हैं, तो शायद आज बारिश भी हो जाए। इधर मौसम बारिश का बना रहा है, पीछे आप देख सकते हैं गन्ने के तरफ। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, आगे चलूँ कि नहीं चलूँ, तो मैं दूसरी रास्ते चलता हूँ। एक रास्ता इधर से है, ये कच्ची सड़क है इस मेन रोड के साथ, तो कच्ची सड़क से आगे चलता हूँ। यहाँ पर कच्ची सड़क देख सकते हैं, ये रास्ता किस तरफ जाता है। इस रास्ते पर भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और पहली बार जा रहा हूँ इधर। इधर पूरा आप लोगों को केवल गन्ने का खेत ही देखने को मिलेगा। और चलते हैं आगे, और यह सफ़र कितना शानदार होने वाला है इस बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में अभी मेरे पास कुछ है नहीं, और बारिश की बूंदें भी छूटने लगी है। तो अब यहाँ से मैं अपनी साइकिल घुमा लेता हूँ और वापस से चलता हूँ दूसरी तरफ। इधर पीछे आप लोग देख सकते हैं, और बारिश अब आने वाली है, एक दो बूंदें छूटने लगी है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, और इस कच्ची सड़क के साथ। उधर आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं काले काले, और कितना घना बादल छा गया है, अंधेरा होने वाला है। इधर देख सकते हैं पूरा ये अंधेरा हो चुका है। अब यहाँ से सफ़र मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, अब यहाँ से चलता हूँ, इसी रास्ते से चलूँगा आगे। यहाँ पे पेड़ पौधे सबसे अधिक मिल जाएंगे लोगों के घरों के पास, सबसे अधिक पेड़ पौधे यहाँ पे जितने घर दिख रहे हैं सब लोग पेड़ पौधे लगाए हैं। अंधेरा हो गया है क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, और देख सकते हैं इधर अभी बारिश काफ़ी तेज़ी से होने वाला है,
मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अंधेरा एकदम छा गया, इधर बादल इधर से ही उठ गया है, अब ऊपर आएगा बारिश। अभी हवा काफ़ी तेज़ से चलने लगी है और मौसम काला हो चुका है। सुबह तो मौसम साफ था, लेकिन अब काफ़ी काला हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं मौसम, और बारिश होने की संभावना है काफ़ी तेज़ी से। मौसम इधर काला होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा है। ये पूरा बागीचा देख सकते हैं, बगल में केले के पेड़ लगाए गए हैं रोड के किनारे, और इधर भी देख सकते हैं, और रास्ते में कुछ कुत्ते दौड़ रहे हैं सुबह सुबह के टाइम में। यहाँ पे देख सकते हैं ये बागीचा, लेकिन इस टाइम पे पूरा ये काला हो चुका है बारिश। ऊपर देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं काले काले, और इधर देख सकते हैं ये बांस का कुछ बागीचा है, और इधर लोग गन्ने खेती किए हैं। तो मैं चलता हूँ आगे इसी रास्ते से, और उसके बाद से मिलूँगा कुछ टाइम बाद। इधर अभी कुछ धुंधला दिख रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है धीरे धीरे, और बारिश में सफ़र कर रहा हूँ। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से आगे, और आगे आप लोग को दिखलाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा आज सफ़र नहीं कर पाऊँगा, बारिश होने वाली है और बादल भी इधर छाए हुए हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से कुछ टाइम बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।